मेरी लाइफ में एक ऐसी स्टेज थी जब मैं फोटोग्राफी करता था तब मैं अकेला ही सब कुछ करता था, मतलब मैं खुद ही पियोन था, खुद ही अपना फर्श साफ करता था, घर में ये कोने में छोटा सा एक टेबल चेयर लगाई हुई थी, खुद ही लोगों के लिए पानी लेके आता था, खुद ही फोटोग्राफी करता था, हाँ खुद ही काउंसलिंग करता था, खुद ही बातें करता था। उस टाइम पे मुझे समझ आ गया कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, तो एक फ़ीमेल को रिक्रूट किया, किसी के रेफरेंस से एक फ़ीमेल ने ज्वाइन किया। जब वो फ़ीमेल आई जॉब के लिए तो उसने बोला कि मेरे को 10,000 रुपये सैलरी चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो नहीं दे सकता, 8,000 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने ज्वाइन कर लिया। उसके 2 महीने के अंदर अंदर जब उसने ज्वाइन किया तो काम धीरे 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 बढ़ने लग गया। 2-3 महीने बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि यार आज मैं 20-25,000 रुपये महीने का कमाता हूँ, उसमें से 8,000 रुपये तो ये लड़की ले जाती है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने बड़े पोलाइटली उसको बोला कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें 8,000 रुपये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 6,000 रुपये दे सकता हूँ, करना है करो नहीं तो चले जाओ। तो वो छोड़ के चली गई। वो जब गई उसके 1 साल तक मैं जहाँ था वहीं का वहीं अटका रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, एक कदम भी। कोई भी आदमी हो या कहीं भी है इस दुनिया में, अगर वो कहता है ना कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। उसको लोग चाहिए उसकी मदद करने के लिए, मगर कोई किसी की मदद क्यों करेगा? हर आदमी पहले अपनी मदद करेगा, तो वो आपकी मदद सिर्फ तब करेगा जब आप उसकी मदद करने की सोचोगे। सिंपल। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे, कितने लोग हैं? दो कंपनीज, एक कंपनी जो क्या करती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बहुत मीठी मीठी बातें करती है आपसे कि भाई यहाँ पे ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, आप चिंता मत करो सब अच्छा होगा। आप जा करके ज्वाइन करते हो तो आपकी हालत ख़राब कि नहीं ओवर टाइम का किसने कहा था तुमको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, करना है करो, नहीं करना छोड़ दो। 8 घंटे की जॉब बोला और 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं और ओवर टाइम भी नहीं दे रहे। ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी हैं। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो बोलती है वो ही करती है। उसने कहा कि 8 घंटे काम है तो 8 घंटे है, ऊपर है तो ओवर टाइम है, ये है तो ये है, उसके अलावा आपके बारे में सोचती भी है। तो आप कौन सी कंपनी के साथ जा करके जुड़ोगे, पहली या दूसरी? अब एक बात बोलूं सच सच कि यहां जिसने बोला ना दूसरी कंपनी के साथ जा करके हम जुड़ेंगे, वही लोग अगर आज जॉब कर रहे हैं कल वो अपनी कंपनी खोलेंगे तो वो खुद वो पहली कंपनी बन जाएंगे। भूल जाएंगे। अब जब उनकी अपनी कंपनी होगी तो चाहेंगे कि अगर ये 8,000 का आदमी है तो हमको 5,000 में मिल जाए किसी तरीके से। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं और एक दूसरे वो जो नहीं करते। जो नहीं करते ना, आज नहीं तो कल एक एक करके उनके सारे हाथ पैर कट जाएंगे। एक स्टेज बाद में ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हर इंसान उनको छोड़ करके जाएगा, ऐसे लोगों के पास जाकर के जुड़ेगा जो लोग शेयरिंग में दिल से बिलीव करते हैं। आज उनके 2 हाथ होंगे, धीरे धीरे 4 हाथ होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 100 होंगे, एक दिन उसके 1,000 हाथ होंगे। और उस दिन जो होगा उसके लिए सक्सेस एक बहुत छोटा वर्ड है, उस दिन मिरेकल होगा, मिरेकल। लोग देख करके कहेंगे कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये कोई कैसे कर सकता है, इतने कम टाइम में ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? भाई सिंपल है, उसको शेयरिंग के बारे में पता है, आपको नहीं पता। जिस दिन समझ आ गया आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे चारों तरफ।